हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गगरिया एकेडमी। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम आपके फोर्थ यूनिट में से फिफ्थ चैप्टर द ओल्ड मैन एंड द सी इसके जो बुक रिव्यू है उसका जो वर्कशॉप है वो देखने वाले हैं। तो फिर चलिए वर्कशॉप की ओर पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रीड द पैसेज एंड नेम द फॉलोइंग। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पैसेज को बहुत अच्छे तरह से केयरफुली रीड करना है एंड उसके बाद यहाँ पे पूछे गए जो नेम्स है वो हमें बताने। फर्स्ट, यंग एंड डिवोटेड अप्रेंटिस आंसर मैनोलिन। सेकंड, द प्लेस वेयर हेमिंग्वे हैड एक्सपीरियंस ऑफ फिशिंग क्यूबन वाटर्स। नेक्स्ट वन, दैट विच हेमिंग्वे वाज इंजर्ड बाय ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शार्पनन। नेक्स्ट वन, लैंग्वेज ऑफ द नॉवेल सिंपल एंड पिथी। एंड लास्टली, In his first reading, the review writer was left unimpressed. Here we complete the first question. Now go towards the question number second. Question number second, correct the following sentences using facts from the review. तो हमें sentences के जो facts, हमारा जो chapter that is the review of a book, तो उसे consider करते हुए यहाँ पे जो sentences दी गई है उन्हें हमें क्या करना है, करेक्ट करना है। ओके, एंड सो फर्स्ट, मैनोलियंस पेरेंट्स इंसिस्टेड ऑन हिज वर्किंग विद द सेम ओल्ड फिशरमैन। आंसर, मैनोलियंस पेरेंट्स इंसिस्टेड ऑन हिज वर्किंग विद अनदर फिशरमैन। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस नोवेल इज प्योर फिक्शन। आंसर, दिस नोवेल इज बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स एंड इट ऑल्सो ड्रॉज heavily on Hemingway's life. Next one, that is third one, Hemingway's style of writing does not unfold the hidden meaning. Answer, Hemingway's style of writing is deceptive and a reader can read his work again and finally new layers of meaning every time. Afterwards, next and the last one, the relationship between the old man and Manolian is coarse. Answer, the relationship between the old man and the Manolian is heartwarming. Here we complete the second question too. Now move towards the question number third. Question number third is that compare the points that you would use for a book review with those the review of a play and write in your notebook. तो आपको क्या करना है, दो columns बनाने पड़ेंगे because this question is of comparison. तो हमें बुक रिव्यू के पॉइंट्स एंड प्ले रिव्यू के जो पॉइंट्स है इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या कंपैरिजन होता है, ये हमें यहाँ पे मेंशन करना है। सो फर्स्टली, बुक रिव्यू पॉइंट्स आर एज बिलो, दैट इज फर्स्ट, शॉर्ट समरी ऑफ अ बुक। सेकंड, हाइलाइटिंग ऑफ मेन पार्ट्स, थर्ड, इवैल्यूएशन एंड लास्टली रिकमेंडेशन। प्ले रिव्यू के पॉइंट्स क्या क्या है देखते हैं। इंट्रोडक्शन, प्लॉट समरी, मेक परफॉर्मेंस एंड डायरेक्शन, डिजाइन एलिमेंट्स लाइक लाइट, कॉस्ट्यूम, म्यूजिक, मेकअप एंड लास्टली रिएक्शन एंड रिकमेंडेशन। Here we complete the third question of comparison. Now move towards the next question, that is question number four. Question number four, the line, I first read this novel years ago when I did not understand it at all and was left unimpressed. Tell us about the book reviewer's opinion about the book. Complete the following sentences using the expressions. तो हमें यहाँ पे एक लाइन दी गई है सेंटेंस में एंड आपको क्या करना है, जो बुक रिव्यूअर्स है उनके जो ओपिनियंस है बुक के बारे में तो उसे ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो सेंटेंसेस दी गए हैं तो उनमें एक्सप्रेशंस यूज करते हुए उन्हें पूरा करना है। फर्स्ट, इन माई ओपिनियन एवरी हार्ड वर्किंग पर्सन अचीव्स सक्सेस इन लाइफ। Second, I strongly feel that nobody can stop us to achieve our goal. Third, I wish I could be a child once again. Next one, as far as I know you, you are not a covert person. And lastly, I think he is a liar. Here we complete the fourth question. Now move towards the next question, that is question number fifth. Question number fifth. The review describes the struggle between the old man and the Marlin and sharks, Ernest Hemingway's struggle against defeat or death, and noble struggle against destruction.
फाइंड ऑल द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट दैट आर रिलेटेड टू ब्रेव और करेज. तो हमें हमारा जो रिव्यू है उसमें से क्या करना है, ब्रेव और करेज इससे रिलेटेड जो वर्ड्स है वो हमें फाइंड आउट करना है. फर्स्ट इज गिवन स्ट्रेंथ एंड द रिमेनिंग वर्ड्स नाउ वी विल राइट स्ट्रगल डिटर्मिनेशन ट्रम एंड एंड्योरेंस. हियर वी कंप्लीट द फिफ्थ क्वेश्चन. नाउ मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर सिक्स. व्हाट डज इट से, लेट्स सी. The review mentions struggles of both the writer Ernest Hemingway and the old man. Fill the incidents of struggle of Hemingway in table A and those of the old man in table B. तो हमें क्या करना है, यहाँ पे टेबल ए में अर्नेस्ट हेमिंग्वे का जो स्ट्रगल था वो लिखना है एंड टेबल बी में ओल्ड मैन का जो स्ट्रगल था वो लिखना है. फर्स्ट वी विल सी अबाउट द स्ट्रगल ऑफ अर्नेस्ट हेमिंग्वे. First was injured by shrapnel during First World War. Face destruction caused by two world wars. Thereafter, the struggle of old man. He ran off terrible bad luck. Was unable to catch fish for 48 days. Afterwards, his apprentice was forced to leave him. Struggles to catch the strong marlin. Next one. Battles with sharks to save the marlin and lastly faces death. Here we complete the sixth question two. Now move towards the next question, that is question number seven. Question number seven. Read the text again. You will find that the text contains many phrases. Match the phrases in column A and their meanings in column B. After matching their meanings, make sentences of your own. तो आपको आपका हमारा जो टेक्स्ट है उसे फिर से रीड करना है एंड उस टेक्स्ट में आपको बहुत सारे फ्रेजेस मिलेंगे एंड उसके जो मीनिंग्स है उनसे आपको मैचअप करना है. तो कॉलम यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन, दिस इज अ मैच कॉलम. मतलब हमने जो मैच है वो पहले से यहाँ पे ली गई है लाइन दैट. ओके, फर्स्ट पेयर देखिए, दैट इज रन ऑफ अ टेरिबल बैड लक, अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन बैड थिंग्स हैपन. Draws heavenly art, makes use of, struck a chord, hit on a topic, in spite of, without being affected by a particular factor, holding on, misendure in difficult circumstances. तो यहाँ पे हमने पेयर तो मैच किए हैं लेकिन हमें उन फ्रेजेस को यूज करके हमारे खुद के सेंटेंसेस बनाए थे, वो भी हम बनाएंगे. ऑन सेंटेंसेस, फर्स्ट He thought he lost everything because of a run terrible bad luck. Second, the movie draws heavenly on his book. Third, her invention will definitely strike a chord of a rhythm of the weavers. Fourth, in spite of being hungry, he never stole anything. And lastly, they determined to hold on to the lie. Can we complete the seventh question? Now move towards the next question, that is question number 8. Question number 8A is that rewrite as directed without change of meaning in your notebook. Matlab hame do as directed karna hai. Without changing meaning we have to change the sentence and write. First, Hemingway's novel is based on real events. Convert the underlined adjective to an adjectival clause. तो यहाँ पे देखिए हमने चेंज किया है, दैट इज हेमिंग्वेज नॉवेल इज बेस्ड ऑन इवेंट्स व्हिच आर रियल. नेक्स्ट वन, ही हुक्स अ मार्लिन बट द मार्लिन इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम. रीराइट बिगिनिंग विद अल्दो. आंसर, अल्दो ही हुक्स अ मार्लिन, द मार्लिन इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम. नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस, The reader can read his work again and find new layers of meaning. Begin the sentence with on reading. Answer, on reading his work again, the reader can find new layers of meaning. Afterwards, fourth sentence, as the novel progresses, the old man and the marlin are inseparably linked. Rewrite using progress as a noun. Answer, with the progress of the story of the novel, the old man and the marlin are inseparably linked. After that, the next and the fifth sentence is
Being strong, the marlin starts pulling the boat right, inserting and as a coordinator. The marlin gets strong and starts pulling the boat. Next one. When I first read this novel, I was unimpressed. Rewrite using bird as a coordinator. And इसका जो आंसर है वो देखिए. I had read this novel before, but I was unimpressed. Next question B. Write the root word after dropping the prefix or suffix or both. तो हमें क्या करना है? Root word लिखना है. उसका suffix and prefix हमें उसे काट छाट के उसका जो main word है वो यहाँ पे लिखना है. First, unable, root word able. Next one, heavily, heavy. Determination, determined. Endurance, endure. Unimpressed, impression. Relationship, relation. Inseparably, separate. Empathetic, empathy. Afterwards, beautiful, beauty. Simplicity, simple. Here we complete the 8th question too. Now, move towards the 9th one, which is a writing skill. Write a book review on any book of your choice with the help of following points. तो आपको क्या करना है, आपने जो कौन सा भी book read किया है तो उस book के जो reviews है आपको यहाँ पे लिखने हैं. आपने कौन सा book read किया है उसके reviews आप यहाँ पे लिख सकते हैं. The model answer is given below as सह्याद्री adventure book review. Storyline क्या है देखते हैं. सह्याद्री एडवेंचर comprises of two books, that is Aniruddha's Dream and Koneshwar's Secrets. The story begins with an exciting boat race where we are introduced to the main characters like Vikram, Aditya, Chitra and Aniruddha. When on a trek through the Sahyadri Mountains, Aniruddha meets with an incident and slips into a dreamlike coma, where he is transported to old Mumbai and the story of Irfan and Rustam emerges. Against the backdrop of British colonialism, we discover a Mumbai wholly different from that we are familiar with today. But though it all, what stays with you is the deep bond shared by Irfan and Rustam, ending tragically in an unfinished mystery. When Aniruddha wakes up, he is left with a burning conviction that the story he witnessed was true. With the help of Vikram, Aditya and Chitra, the mystery meets a surprising finish at Koleshwar. Next is social or historical context. तो बुक में जो social और historical context है वो क्या है, वो हमें हमारे खुद के words में लिखना है. Answer. Towards the east of the western coast of India in Maharashtra lies a magnificent ranges of Sahyadris. Sahyadri is also known as the pride of Maharashtra. Mr. Deepak Dalla lives in Pune with his wife and daughter along with some cats and dogs and enjoyed his life writing books and trekking in the summits of the Sahyadris. The Sahyadri adventure is set in the heartland of Mumbai. Not as we know it today though, but as it was in the 19th century. I took this some panoramic visits of Sahyadri Mountains, some daredevil in the form of skydiving and trekking through rough land, some cloud shapes with shakes and thugs, some unsolved mystery and unexpected revelations. Next point is about writing style. तो बुक का जो राइटिंग स्टाइल है उसके बारे में भी आपको यहाँ पे लिखना है. आंसर. दीपक दलाल, एन इंडियन ऑथर, रोट बुक्स होल्डिंग इन देम नॉट ओनली द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचुरल प्लेसेस बट आल्सो एडवेंचर इन इट. द लैंग्वेज फ्लुएंसी इन दिस बुक्स आर एडोरेबल एंड नो मैटर व्हाट योर एज इज दिस बुक विल प्लीज योर माइंड. द ओवर लॉन्ग एंड वर्डी डिस्क्रिप्शन ऑफ आइदर the action or the scenario leave little to the imagination. There is virtually no space for conversation which could he given us a better understanding of the characters and made for a racier read. Last, that is my thought. आपके उस बुक को रीड करने के बाद आपके क्या थॉट्स थे. आंसर. As a coin has two faces, the same way the book too
too has ups and downs. Although you find adventure reading a pastime, this book sometimes bores you, and the repeated shifting between the present and the past may confuse you at some places. Having said that, the Sahyadri Adventure is no doubt a brave attempt giving young readers a broad canvas, the thrills and the opportunity to walk along uncharted territories. The books written not only have a lots of adventure in it, but also they are your warm welcome to the incredible Sahyadri. While reading the books, the reader is transferred to a whole new world. Here we complete the 9th question. Now go towards the question number 10. Question number 10th is, you know the essential points required for a book review. Now form pairs and find essential points required for a play review and film review. You can take help of your teacher, library or the internet. So, book review के लिए कौन से point consider किए जाते हैं ये हमें मालूम है. लेकिन उसी तरह से play review के लिए and film review के लिए कौन से point कंसिडर किए जाते हैं ये हमें इन द फॉर्म ऑफ कंपैरिजन लिखना है. तो इसके लिए हमें थ्री कॉलम्स बनाने पड़ेंगे. फर्स्ट कॉलम इज अबाउट बुक रिव्यू, सेकंड इज अबाउट प्ले रिव्यू एंड थर्ड इज अबाउट फिल्म रिव्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द पॉइंट्स इन बुक रिव्यू. शॉर्ट समरी ऑफ द बुक, स्टोरी लाइन, हाईलाइटिंग ऑफ मेन पार्ट्स, हिस्टोरिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट, इवैल्यूएशन दैट इज लैंग्वेज, and lastly your reaction, my thought and recommendation. Next is play review. Usme se first introduction, plot summary, performance and direction. Fourth one, design elements, light, costume, music, makeup. And lastly your reaction, my thoughts, recommendations. Next film review. To film review ke jo points hai wo dhyan mein lijiye. Introduction, plot summary, performance and direction, design element, scene, music, etc. Your reaction, my thought and recommendation. तो आपको फिल्म रिव्यू के लिए ये सारे पॉइंट्स कंसिडर करने पड़ेंगे. और इस तरह से हमारा जो 10th क्वेश्चन था वो यहाँ पे खत्म होता है. Now let's see the last question from the workshop, which is of project. Question number 11, project. तो आपको क्लासरूम लाइब्रेरी बनानी है. इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? Ask all your classmates to donate a book each to the class. In this was everyone will have a book of his or own to read. Read the books in a week or two. After reading it, exchange your book with your classmate. Keep exchanging and reading books for the whole year. Every fortnight, give the book review of the book that you have read recently in the form of presentation. तो आपको एक क्या करनी है? Activity करनी है आपके class में. तो हर किसी के पास syllabus के अलावा जो author books होते हैं, वो होंगे. तो आपको सभी को क्या करना है? एक क्लासरूम लाइब्रेरी बनानी है. मतलब हर कोई अपना अपना खुद का एक बुक लाएगा. वो सभी बुक्स आप एक्सचेंज करोगे. वो एक और दो वीक में उसे पढ़ के फिर से एक्सचेंज करोगे. लेकिन आपने जो बुक रीड किया है उसका रिव्यू आपको इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन आपकी क्लास के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा. ठीक है? तो इस तरह से आपको क्लासरूम लाइब्रेरी बनानी है. आपके लिए प्रोजेक्ट है एंड आपको ये एक्टिविटी खुद से करनी पड़ेगी. इस तरह से हमारा जो वर्कशॉप था वो यहाँ पे खत्म होता है. आई होप आपको ये ओवरऑल वर्कशॉप समझ में आया होगा. अगर आपको इस वर्कशॉप में कोई भी डाउट हो, परेशानी हो तो कमेंट कीजिए. तो इसी तरह से सभी इस चैप्टर से रिलेटेड जो ऑडियो वीडियोस है वो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. बाजू में दिखने वाले बेल आइकन पे प्रेस कीजिए. वहां पे ऑल कीजिए ताकि आपको वीडियो के बारे में सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे. तो इसी तरह से सभी क्लास के सभी सब्जेक्ट के वीडियोस एक ही जगह पे देखने के लिए प्ले स्टोर पे जाइए, गुरुबरिया एकेडमी सर्च कीजिए और हमारा यह एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए. यह एप्लीकेशन सबके लिए बिल्कुल फ्री है. एप्लीकेशन इंस्टॉल करते समय अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है उस पर मैसेज कीजिए ताकि हमारी टीम आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करने में मदद कर सके. इस एप्लीकेशन में आपको चैप्टर से रिलेटेड लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड वीडियोस, नोट्स, असाइनमेंट, टेस्ट ये सभी चीजें मिलेंगी. तो पढ़ाई के लिए इस एप्लीकेशन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिएगा. इस एप्लीकेशन में हमने चैट सेक्शन भी दिया है जिसके भीतर आप आपके सभी डाउट्स आपके जो अदर क्लासमेट्स हैं उनके साथ मिलकर ग्रुप डिस्कशन करके सॉल्व कर सकते हैं. वहां पे हमारे टीचर्स भी हैं, उनके साथ भी डिस्कस करके आप आपके सभी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं.
अगर आपको किसी भी प्रकार की एजुकेशनल हेल्प चाहिए तो इसके लिए आप हमारा जो ऑफिशियल नंबर है उस पर मैसेज कीजिए, ताकि हमारी टीम आपको एप्लीकेशन, हमारी टीम आपको उस संदर्भ में मदद कर सके। तो आज के इस सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे, जल्द ही मिलेंगे अगले सेशन में नए वीडियो के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर।